तो आज हम कर रहे हैं अपने किचन की सफाई। तो आज का मेरा ब्लॉग है किचन क्लीनिंग ब्लॉग। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बर्तन स्टैंड की सफाई, क्योंकि मेरी काम वाली अंजलि आ चुकी है, वो उधर बर्तन धो भी रही है। तो हमने सोचा इसके साथ लग के सफाई कर ली जाए। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं अपने बर्तन स्टैंड की सफाई। तो आप लोग मेरे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए हम अपने किचन की सफाई कैसे कर रहे हैं, और मिल के करेंगे अंजलि के साथ किचन की सफाई। और उसके बाद आप लोगों से कहना है कि मेरे वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा सुबह से चालू हो गया है सफाई अभियान। तो अभी तो मैंने सिर्फ करा है बर्तन स्टैंड की सफाई, और बाकी और ये सारा आज ये ऊपर से भी आज किचन की साफ सफाई में लगे हुए हैं। तो बस अभी सुबह की चाय पिए, बाकी हमने सोचा ये सुबह से आ गई है अंजलि। तो ये मेरी काम वाली जो है अंजलि, ये आज आके बोली कि मौसी सुबह से, वो कई दिन से तुम कहती हो रोज किचन की सफाई, तो ये डब्बे अभी पहुंचने नहीं है, डब्बे अभी हमको पकड़ाओ, सारे नीचे रखो, लाओ। तो ये डब्बे जो है ये हमको ऊपर से सारे डब्बे पहले पकड़ाएगी, फिर नीचे रखेंगे, फिर ये करेगी पूरी अलमारी की सफाई, और सफाई का रख दो अभी, सफाई करने के बाद फिर ये डब्बे पहुंच के हमको देगी या हम पहुंच लेंगे, तो लगाएंगे हम डब्बे अपने हिसाब से। तो इसकी थोड़ी सी मदद मिल गई है। और आज सुबह से आके बोली बस चाय पी लो, कई दिन से कह रही हो किचन साफ करना है। इधर गर्मी की वजह से लखनऊ में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी की वजह से हम सफाई वफाई ढंग से कर नहीं पा रहे थे। और किचन में जो उधर एक दो बार आंधी जरूर आई, और पानी तो लखनऊ में जैसे बरसने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो बस भाई आज हमने इससे कहा, कई दिन से कह रहे थे कि सफाई करनी किचन की, तो आज ये बोली मौसी आज थोड़ा हम जल्दी आ गए हैं, तो चलो करते हैं किचन की सफाई। तो इसने बर्तन धो लिए, तो बस दोनों लोग मिलकर अभी करते हैं किचन की सफाई। और बर्तन स्टैंड का तो हमने अकेले सब कर लिया, जब तक इसने बर्तन धोए, और धो पोंछ के हमने सारे बर्तन स्टैंड में लगा भी दिए हैं। ये देखिए पूरा स्टैंड मैंने चमका दिया है अपना, और साफ करके सारे बर्तन लगा भी दिए हैं। तो बस अभी ये डब्बे अब्बे और ये पूरा किचन सब बाकी है अभी, ये देखिए डब्बे उतार उतार के जब तक रख रही है। तो बस अभी करते हैं किचन की सफाई और आपको दिखाते हैं उसके बाद हम। अलमारी साफ हो गई है, हम लगा रहे हैं सामान, और ये देखिए मेरे यहाँ से छूट गया है कांच के बाउल का डब्बा, और मेरा हो गया नुकसान, बाउल टूट गए हैं। उसके बाद हम लगा रहे हैं सारा सामान अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, ये हमको उठा के दे रही है। इधर आ गए उतर के, सारा फ्रिज व्रिज की सफाई कर रहे हैं। अब हमने सोचा फ्रिज की भी लगे यहाँ सफाई कर दी जाए, जब किचन साफ हो रहा है किचन, तो फ्रिज की भी सफाई हो रही है। और ये हम साफ कर चुके हैं अपना पूरा किचन, तो आपको दिखा रहे हैं पूरे किचन की सफाई हो चुकी है, और एकदम साफ सुथरा लग रहा है मेरा किचन अब। तो किचन की सफाई करने के बाद हम नहा धो के आ चुके हैं, हम बना रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में बनाने जा रहे हैं चावल और चने की दाल से ढोकला। और इसमें एक कटोरी चावल और आधा कटोरी चने की दाल, जो कि हमने बहुत सुबह सुबह भिगो के रख दिया था दही के पानी में, और ये भीग 4-5 घंटे भीग चुका है। उसके बाद हम इसको पीस रहे हैं मिक्सी में, इसका बनाना है पेस्ट। और एक बार ऐसे ही पीसा था, दूसरी बार में हम डाल रहे हैं 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक और 2 चम्मच चीनी डाल के इसको पीसा है। तो ये मेरा बैटर हो गया है तैयार, और बैटर में हमने डाली है हल्दी और थोड़ा सा नमक और एक पैकेट इनो।
एक पैकेट इनो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और थाली में हमने लगा लिया है ऑयल। ये सारा बैटर हम अभी करेंगे मिक्स, सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद इसको मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करके थाली में इसको डाल देंगे पूरा। और उधर कढ़ाई में हमने पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है, पानी मेरा अच्छे से उबल चुका है तो थाली में बैटर डाल के इसको रख दिया है। 15 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे और तब तक हम उधर ये देखिए ये पक चुका है, चाकू डाल के हमने देख लिया है चिपक नहीं रहा है। तो अब हम कढ़ाई में तैयार कर रहे हैं तड़का। तड़के में हमने डाला है करी पत्ता और राई और हरी मिर्च और ये तड़का डाल रहे हैं इसके ऊपर। इसमें हम नींबू का रस निचोड़ना भूल गए थे तो थोड़ा सा नींबू और ज़रा सी चीनी भी डाली है, चीनी का पानी करके डाला है तो हल्की सी मिठास भी आ जाएगी। और पहले भी थोड़ी सी चीनी डाल चुके थे। ये देखिए मेरा एकदम सॉफ्ट और अच्छा सा ढोकला तैयार हो चुका है। और बाहर का मौसम देखिए, हमारे काम करते करते होने लगी है झमाझम बारिश। अभी थी गर्मी और एकदम मौसम चेंज हो चुका है तो बस इसी मौसम के चेंज के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। और ले मौसम का आनंद, गर्मी से आ चुका है एकदम अच्छा अच्छा मौसम। बारिश हो रही है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वाह मज़ा आ गया। मौसम हो गया एकदम ठंडा।